कंट्रो बेकली उस दर्जे का पहली एंथ्रोपोलॉजिस्ट के उसके नाम पे स्पीशीज का नाम रखा गया 160 रिसर्च पेपर्स का राइटर उसने क्वेश्चन किया इवोल्यूशन को जो जॉब थी म्यूजियम की वापस ले ली गई विकीपीडिया ने उसका पेज रिमूव कर दिया डिस्क्रेडिट करके रख दिया कौन से फ्री इनको ये पूरे र, पूरा रिलीजन है एक सिस्टम है एक लिबरलिज्म के का जो पूरा, जो पूरा मॉडल है इसके अंदर इंडिविजुअलिज्म है जिसके अंदर ह्यूमनिज्म है जिसके अंदर है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं आपको डिसक्रेडिट कर दिया जाएगा वो डोवर बोर्ड का क्या केस है, हमें नहीं पता है कि सिर्फ इतनी सी बात सिर्फ इतनी सी बात कि के अलावा भी जिंदगी की नेशन है सही अदालत ने आगे फैसला दिया कि खबरदार खबरदारूशन के अलावा कोई किसी चीज़ का जिक्र नहीं करना किसी कॉन्टेक्ट में मुझे मैक्स मैक्सकाजर याद आ जाते हैं वो कहते हैं जब मैं बीबीसी पे काम करता था तो हमें एक्सप्रेस हमें इंस्ट्रक्शन थी कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसराइल का नाम नहीं लेना हुँ, किसी हुँ, भी कॉन्टेक्स्ट में मेंशन ही नहीं करना इसराइल उनको याद आ जाता है कि उसकी मैक्स मैक्सकाइर की बात याद आ जाती है कि वो कहते किसी भी कॉन्टेक्स में ना जो, जो जिंदगी की बात है तो, तो उसको आप करें तो ये इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप क्वेश्चन आप नहीं कर सकते इवोल्यूशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते आप उनके किसी सिस्टम को क्वेश्चन नहीं कर सकते आपको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है और फिर आप कहें कि फ्री इंक्वायरी की बात होती है आखिरी बात मैंने आपका वक्त बड़ा ले लिया आप जो क्वेश्चन से आपने शुरू किया था मैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चल रहा हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि एक हायर बींग है और हम उस तक पहुंच गए तो क्या उससे फ्री इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाएगी नाउ hmm. no. आप अगर जिस माउंटेन को आप सर करने की कोशिश कर रहे हैं hmm. अगर आपने उसको सर कर लिया है देर इज नथिंग फर्दर टू गो इट ड मीन कि आपकी फ्री इंक्वायरी खत्म हो गई सफर खत्म हो गया देर इज नथिंग एल्स टू गो टू पहाड़ के आप ऊपर चले गए हैं माउंट एवरेस्ट के आप टॉप पर चले गए हैं सो so, अगर हम ये कह दें फॉर अल्टरनेट बात करके इफ

खुदा के नेसेसरी क्या है हुँ. जिस खुदा का तस्वर हम पेश करते हैं so forth, yes those, inquiry, आ, आप आपका पॉइंट है ही करते जाएंगे तो फिर वेयर विल बी चीज चलती रहेगी चीज है ना कि वजूद खुदा के आपका ईमान है उसके अंदर एक चीज जिसको से कहते हैं रिलीजियस स्केप्टिसिज्म नॉट नेसेसरली कि स्केप्टिसिज्म को बुरा है इनके खुदा को मानने के बाद आप खुदा के फैसलों पे अगर क्वेश्चन उठाते हैं आप यकीन करें अल्लाह ताला माइंड भी नहीं करते नहीं कैसेर भाई तमाम तो 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 प्रॉफिट स्केप्टिक थे मेरे नज़दीक आप देखें उन्होंने अपनी सोसाइटी और अपने जो वो कल्चरल नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया इन 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 पॉजिटिव वे वो तो कल्चर को किया ना आप ये देख लें कि अल्लाह ताला को मानने के बाद फ्री इंक्वायरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा फ्री इंक्वायरी किसने की है अल्लाह ने कहा मार के मैं जिंदा करूंगा उन्होंने कहा मानता तो हूं लेकिन थोड़ा डेमोस्ट्रेशन दे दे तो अल्लाह कुरान में बता रहे हैं ये नहीं कहा कि मैंने आगे से

और जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ना ये मॉरल रेलेटिवज़म की अगर आप बात करते करें और अगर कहते हैं कि हमारा कल्चर है हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं कुछ स्टैंडर्ड्स हैं तो सवाल ये कि ये तो चाहते हैं कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ को इजाज़त दी जाए बिकॉज दे आर रिलेटिव सही सो हमारा जब हम इस आर्ग्यूमेंट को यूज़ करते हैं कि जी ये हमारे मॉरल वैल्यूज़ ही हैं तो इनको एक्सेप्ट mm -hmm. किया जाए mm -hmm. उसको कभी नहीं मानते मिसाल Sorry. के तौर पे अमेरिका के अंदर आज अमेरिका mm -hmm. यूएस एम बैसे ने पाकिस्तान में बड़े ओपनली ट्वीट की Uh, जी एल जी बी टी क्यू के खिलाफ कि वी एर सपोर्टिंग दैम और जो है ना वो इन दिस इस मुल्क hmm. के अंदर हमारा ये एजेंडा है एंड वी सपोर्ट दैम ओपनली एंड वी आर इन्वेस्टिंग इज वेल कोई इस तरह की चीज़ें उन्होंने की hmm. और इसके एविडेंस मौजूद हैं आप देख सकते हैं उनकी ट्वीट में और अगर फॉर एग्जाम्पल क्या ये तो उन्होंने कर ली पाकिस्तान hmm. के अंदर क्या कोई पाकिस्तानी एम्बेसडर यू एस में बैठ के hmm. हिजाब के बारे में इसी मॉरल रिलेटिविज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये कह दे कि हम हिजाब को प्रमोट करना चाह रहे हैं यहाँ पे और हम इस्लामिक शरिया लॉ जो है

हमारे से, से अगर आप रिलेटिविज्म को भी अप्लाई करो हुँ हुँ। तो होना ये चाहिए कि आप हमें करने दो और हम आपको करने दें लेकिन मसला कि आप हमें नहीं करने देते

ठीक है और ये यहीं पर ही वो फॉल्स हो जाते हैं और हालांकि अपेरेंटली जो इन्होंने सारा भांडा फोट रहे हैं ना पूरा यू और यू के अंडर वो इसका नॉर्मेटिव कई कर रहे हैं लेकिन आ जाके इसमें फ़ेल होते हैं बहुत बड़े फेलियर हैं ये एम्पीरियलिज़म को ही फैलाते हैं कतर वर्ल्ड कप अभी हो रहा है शुरू तो वहाँ पे अब बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है ऐसा ही पता है कि कतर के बड़े स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स हैं वो कह रहे हैं जी कि आपने फॉलो करना है हमारे रूल्स को ना यू आर इन आवर लैंड सो लिव बाय लेव रूल्स तो वो कहते हैं कि नहीं जब हम ये कहते हैं कि तुम नॉन मुस्लिम लैंड्स में आए हो तो तुम भी नॉन मुस्लिम रूल्स के मुताबिक रहो तो वहाँ आप जो है वो रिजेक्ट करते हैं हमें आप कह रहे हैं हम एक्सेप्ट कर तो तो ये डिस्क्रिपेंसी तो है है बिल्कुल है। अब <laughs> मजे की बात और कतर कंपेयर किया जा सकता है इन फिनलैंड और उनसे इन टर्म्स ऑफ उनकी जो हैप्पीनेस yeah, uh, इंडेक्स के मामले index, में उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल क्राइम रेट्स और उन चीज़ों में वो उसके मुकाबले में आती है वो कंट्री सही और उसके बावजूद जो है ये वाले मामले में दे मतलब फेल अदर बिल्कुल नहीं लेकिन मैं मैं चाह रहा हूँ कि हम ये डिस्कस करें कि देखें फिर तो उनका आर्गूमेंट ठीक है ना वो ये कहते हैं कि जब आप हमारे लैंड्स में आते हैं नॉन मुस्लिम लैंड अच्छा और हम आपको कहते हैं कि आप हमारे रूल के मुताबिक रहो तो आप रिजिस्ट करते हैं आप कहते हैं नहीं हमारी कुछ वैल्यूज हैं हमने वी हैव टू अपहोल्ड होल्ड दैम आप कोई नहीं होता है हमें रोकने वाले और हम आपको फिर इजाजत देते हैं ठीक है कि ठीक है कर लो जैसे यूके की मिसाल ले लें वहां ओपन दावा स्ट्रीट दावा हो रहा है ठीक है ना गवर्नमेंट आके नहीं पकड़ेगी आपको अमेरिका में न्यूयॉर्क स्क्वायर में जो है वो तरावी की नमाज हो गई अजान दे दी गई उन्होंने चलो ठीक है तो वो ये कहते कि जब हम आपके लैंड में आते हैं तो आप हमें क्यों रोकते हैं हम आपको नहीं रोक रहे आप हमें जो है देखिए ये इसी बात पर पॉइंट आता है ना कि अगर वो नॉर्मेटिव uh, क्या कह कहते हैं मॉरल रिलेटिविज्म अप्लाई करते हैं लिबरलिज्म अप्लाई करते हैं वो उनके स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड तो नहीं है